हमने कहा न्यायालय ने अपना काम कर दिया, एफ आई आर दर्ज करवा दी। दिल्ली पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? दिल्ली पुलिस के लिए कह रहे हम। अनुराग ठाकुर का इस देश का प्रधानमंत्री है या इस देश का न्यायपालिका है? क्या है अनुराग ठाकुर? कौन है अनुराग ठाकुर? उसके कहने से देश चलेगा? उसके कहने से संविधान चलेगा? इस देश के खिलाड़ी के नाम पे वोट मांगी, अब आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी, इस देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी। अरे 15 दिन हो गए एफ आई आर दर्ज, के दिन हो गए एफ आई आर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने आज तक बात नहीं की उससे। बेरोजगारी के, गरीबी के, भुखमरी के, देश में रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, इनसे जो देश की जनता सवाल नहीं पूछे इनके बातों पे। राजनीति बीजेपी सरकार करवा रही है, कंपनी की सरकार करवा रही है। ये राजनीति मुद्दा नहीं था, ये देश का सम्मान का मुद्दा था, ये न्याय का मुद्दा था। इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, और ना ईवीएम के पेट से बनेगा, बटन से बनेगा। किसान मजदूर, इस देश का युवा, इस देश का भविष्य तय करेगा। भाई एफ आई आर दर्ज कार्रवाई तो करो। दिल्ली पुलिस ने तलब तक नहीं करा उस मंत्री को, दिल्ली पुलिस ने बात तक नहीं करी उस मंत्री से, वो खुले बयानबाजी कर रहा है। भाई दिल्ली पुलिस तो एजेंसी मोदी के आवाह में काम कर रही है, गृह मंत्री के में। अरे 15 दिन हो गए एफ आई आर दर्ज, के दिन हो गए एफ आई आर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने आज तक बात नहीं करी उससे। अरे जिस पे एफ आई आर दर्ज होगी कानून बनेगा, तलब करो, चार्जशीट लगाओ, जेल भेजो, कानून का काम है उसे, न्यायपालिका का काम है, सजा मिले बरी हो। ये दिल्ली पुलिस कम से कम अपना काम तो करे, ये राजनीति का खड़ा बना दिया नरेंद्र बड़ा। मतलब देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी के, गरीबी के, भुखमरी के, देश में रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, इनसे जो देश की जनता सवाल नहीं पूछे इनके बातों पे, इनके जो इन्होंने वादे करे झूठे, आज ये कहीं ना कहीं नया मुद्दा खड़ा करते हैं। भैया दर्ज वहाँ भी तो करे, जो बुलाओ जाके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई है वहाँ भी तो पकड़े, उसे भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कब करेगी? जब यहाँ राजनीति का खड़ा बन जाएगा, जब 750 लोग यहाँ शहादत देंगे, जब करेगी? आरोप तो लग रहे हैं राजनीति हो रही है यहाँ पर, राजनीति बीजेपी सरकार करवा रही है, कंपनी की सरकार करवा रही है। ये राजनीति मुद्दा नहीं था, ये देश का सम्मान का मुद्दा था, ये न्याय का मुद्दा था। जब देश के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, जब तक प्रधानमंत्री उनके साथ चाय पीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज वही खिलाड़ी धरने पर बैठे अपने न्याय के लिए, सम्मान के लिए। मैं तो देश की जनता से, सभी से पूछना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों से, मातृशक्ति से, देश की बेटियों से, आज जब ये देश के खिलाड़ी, देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी, बता दो आप। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी योगी सरकार है, यह कहते हैं योगी का बिल्डोजर चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी एनकाउंटर करते हैं, एक भाई हमारा आकाश गुजर मध्य प्रदेश से आगरा आया था देश सेवा में भर्ती देखने, देश में भर्ती होने सेना में, उसको सुबह सुबह खनन माफिया बताकर यूपी पुलिस ने गोली मार दी गई। ये काम, ये न्यायपालिका चल रही है इनकी, ये क्या कानून व्यवस्था चल रही है इनकी उत्तर प्रदेश में भी? ये जाति देख के, धर्म देख के गोलियां चलाते हैं ये लोग, भूले बैठे। आपसे पहले भी इस देश में बहुत लोग आए हैं और आपके बाद भी आएंगे, ये देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा। सारे माफिया ने मिलाओ ना, हम तो कह रहे हैं कोई भी माफिया सही, कोई भी दोषी सही, सबे सजा मिलनी चाहिए, सबे जेल जाना चाहिए, सबको मिट्टी में मिलना चाहिए। ये वो माफिया नहीं था जिसने कानपुर में एक माँ बेटी जिंदगी जला दी, झोपड़ी में एक झोपड़ी तोड़ने का काम करा, वो माफिया नहीं है अधिकारी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ने बताओ हमें, मिलाओ उन्हें मिट्टी में। ये लोग भूले बैठे, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, और ना ईवीएम के पेट से बनेगा, बटन से बनेगा। किसान मजदूर, इस देश का युवा, इस देश का भविष्य तय करेगा। आने वाले समय में इन्हें वोट की चोट से बताया जाएगा, इस देश में जो जो आज ये कर्म कर रहे हैं इनका सबका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। तो जवाब मिलाना इन्हें, जो सरकार तो हम बता कैसे बनी है, अधिकारियों पर कितना प्रेशर था। इनके 100 विधायक उत्तर प्रदेश में मात्र 500 के अंतर से जीते हैं, और हमें पता कैसे जीते हैं, डीएम ने जाकर, हाँ इनके अधिकारियों ने जाकर वहाँ जबरदस्ती धांधली करके चुनाव जितवाया उत्तर प्रदेश में। आरोप है भाई, आरोप है, संवैधानिक पद पे होता है डीएम भाई, आरोप है। हम कह रहे हैं ना, इनके सारी एजेंसी इनके अभाव में है, दिल्ली पुलिस इनके अभाव में है, बताओ हम कह रहे हैं। अरे भाई एफ आई आर दर्ज होगी, दिल्ली पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, क्यों तलब नहीं कर रही उस मंत्री को? भाई न्यायालय भरोसा नहीं है आपको? भाई न्यायालय पे भरोसा जब भी तो कह रहे हैं, हमने कहा न्यायालय ने अपना काम कर दिया, एफ आई आर दर्ज करवा दी। दिल्ली पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? दिल्ली पुलिस के लिए कह रहे हैं हम दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, अमित शाह के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? इतना बड़ा अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? देश में 750 शहादत होंगी जब न्याय मिलेगा क्या? मेरे साथ भी समर्थक है, 6 बार जीता हूँ मैं,
अभी हम ये नहीं कर रहे, 6 बार जीतो देश में गलत कोई भी कर सके। तू 6 बार जीत का तू गलती नहीं कर सकता, तू भगवान नहीं है। गलती कोई भी कर सके इस देश में। आसाराम जैसे जो है जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, जब वो जेल जा सके, ये क्या चीज है भाई है? जब माननीय कोर्ट का पालन हमारे राहुल गांधी जी ने करा, वो गुजरात गए कोर्ट में, पेशी में सरेंडर हुए, चार्जशीट में आज गए, तो ये भूषण आने में क्या दिक्कत है? दिल्ली पुलिस से अरेस्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है इन्हें? मतलब ये अपना आपको बहुत बड़े बने बैठे हैं। अनुराग ठाकुर का इस देश का प्रधानमंत्री है या इस देश का न्यायपालिका है? क्या है अनुराग ठाकुर? कौन है अनुराग ठाकुर? उसके कहने से देश चलेगा? उसके कहने से संविधान चलेगा? हम नहीं मानते कौन अनुराग ठाकुर है। हम ये जानना चाहते हैं इस देश जो चलाता है, देश का संविधान चलाता है। हमें सरकार काम करे ना, दिल्ली पुलिस अपना काम करे, जो खड़ा बना रखा है ये लोग इस देश को। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश को कंपनियां चला रही है, ना कि बीजेपी सरकार चला रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे छोटे राज्य को मिलाकर इस देश पे गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने राज करा, ऐसी ही ये कंपनियां छोटे छोटे मंत्रियों को, नेताओं को डरा के अपने अंदर मिला रही है। उन्हें CBI का डर दिखा गया, वो दिखा के इस देश को कंपनियां चला रही है। क्यों? जो बड़ी मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो कंपनियों ने उन्होंने कंपनियां ने खरीद रखा है। मोदी नहीं है, मोदी के आका बैठे हैं, कंपनियां चला रही है। फिर कह रहा हूँ, देश मोदी भी नहीं चला रहा है, वो कंपनियां चला रही है। यहाँ CIO बड़े बड़े CIO बन जा, CIO अडानी है, अडानी है, अंबानी है, यहाँ से करोड़ों लोग लेके लोग पैसे चले गए यहाँ से। CDR कंपनी पैसा लेके चलेगी इस देश का। नीरव मोदी चलेगा, ललित मोदी चलेगा, दुनिया भर के यहाँ से करोड़ों रुपए चले गए। ये 15-15 लाख की बात कर रहे, आज 5 किलो अनाज पा गए ये लोग। इस देश का भविष्य, देश का युवा जागरूक है, महिला जागरूक है। ये कंपनियां आज देश चला रही है, इन कंपनियों का भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, ये कंपनियां इससे पहले देश का पैसा लेकर भागे, इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश की शक्ति, सब जागरूक हो जाओ और अपने अधिकार मान सम्मान को लेकर रुके। वो सब कर्नाटक की जनता समझदार है, वो सब बता देगी किसका किसका नाम लेकर दबाना, किसका ना दबाना है। भैया ऐसे प्रदर्शन से ही देश आजाद हुआ है। ये प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, जब इस देश आजादी मिली, और ये हमारा अधिकार है, संविधान हमें देता है, हमें अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें कोई मोदी सरकार नहीं, हमारे देश का संविधान देता है, जो हमारा भारत चलाता है, देश चलाता है। इसको ये कमेटी का निर्णय होगा, यहाँ खाप चौधरी बैठे जो इनकी कमेटी पहलवानों की, इनका जो निर्णय होगा, देश इनके साथ खड़ा है, देश का UN के साथ खड़ा है, देश की महिला इनके साथ खड़ी है। और ये जो प्रधानमंत्री और ये मोदी जी ये चुप बैठे हैं, ये लोग भूले बैठे हैं, आने वाले चुनाव में इन्हें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बेटी के नाम पे वोट मांगी, इस देश के खिलाड़ी के नाम पे वोट मांगी, अब आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी, इस देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी, बताओ भाई तुमने क्या करा हमारे खिलाड़ियों के साथ में, देश की बेटी के साथ में तुमने क्या करा? ब्रिजभूषण आरोप लगाते हैं कि साक्षी जी सेक्सुअल कमेटी के मेंबर है, फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? भैया ये कमेटी बताएगी, देश की जनता बताएगी, वो लोग निर्णय लेंगे, और जो भी इनका काम है वो देश की जनता तय करेगी। आज अगर न्याय हो जाता, ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस पकड़ के चार्जशीट लगा के कोर्ट में सरेंडर करवा देती या अरेस्ट करवा देती, तो आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। ये न्यायालय बोलेगा तभी ना अरेस्ट करेंगे, ऐसे कैसे? न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करवा दी ना, देश में संविधान है, जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी, आप नॉलेज है भाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट करके किसी को भैया कहाँ तक सही है? प्रोटेस्ट नहीं करा सकता, अरेस्ट नहीं करा सकता। आपको पुलिस बुलाएगी, अगर कोई आरोप लगाएगा ना, पुलिस उसकी जांच करेगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस उसमें FIR लिख के उसे पूछताछ करेगी। तो दोषी है नहीं दोनों तरफ से, भरोसा नहीं है पुलिस पर, पुलिस काम ही नहीं कर रही भाई। पुलिस तो अभाव में, पुलिस पे तो पूरा भरोसा है, पुलिस पर पूरा भरोसा है, हमारे जवान है, पर वो अब जो उनके बड़े अधिकारी है वो अमित शाह के अंडर में काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं, मोदी के अंडर में काम कर रहे हैं। ये लोग डरे बैठे, 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है, और ब्रिजभूषण वहाँ का कद्दावर नेता है। ऐसे पता नहीं कितने नेता जो इन BJP वाले नाक दिखा रहे हैं उन्हें डराने के लिए, ये इनको जो है बहुत बड़ा मोहरा बना के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। सरकार आरोप लगाती है कर्नाटक इलेक्शन को देखते हुए ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है? कर्नाटक से यहाँ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ का सीधा मतलब पड़ेगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत से, और इन्हें जवाब उत्तर भारत ही देगा।